टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेरे को उसके बाद सीधे यही लगा कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी। दिमाग तो होता है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलते हैं, बिकॉज उनको नाम पता होता है, उनको हर एक चीज़ पता होती है। सो उनने वहाँ से मेरे से बोला कि आपके पापा ने मुझे 12,000 रुपये दिए थे उधार के उससे, तो मेरे को आपको वो रिटर्न करना है, ठीक है। सो हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड द वीडियो। सो आज की वीडियो कोई क्यू एन ए नहीं है, कोई व्लॉग नहीं है, कोई मतलब मैं कुछ भी ऐसा नहीं है, बट आज की वीडियो है अबाउट अ स्कैम जो होते होते बचा, बिकॉज मैं थोड़ी सी तेज हूँ। अगर जैसे आप मतलब आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं और जो ये स्कैम चल रहे हैं आजकल इनके बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। सो मेरे साथ ये स्कैम हुआ था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ चलो कॉन्टेंट भी मिल गया। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेरे को उसके बाद सीधे यही लगा कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट मतलब मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो फिर अभी मैं सोच रही कि जो भी ये कॉल आई थी, जो भी था, वो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लगा के, और जो वो सबसे बड़ी अमाउंट वाला स्क्रीनशॉट था ना, वो देख दिखाऊंगी तो आप लोगों को हंसी आएगी। बिकॉज मतलब स्कैमर्स के पास एक दिमाग नहीं होता कि मतलब दिमाग तो होता है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलते हैं, बिकॉज उनको नाम पता होता है, उनको हर एक चीज़ पता होती है। तो रिसेंटली मेरे को एक कॉल आया था आज से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मेरे से बोला कि हेलो बेटा। मैंने कहा मैं सोचा कोई अंकल ही है सच में, तो मैंने कहा हेलो। सो उन्होंने वहाँ से मेरे से बोला कि आपके पापा ने मुझे 12,000 रुपये दिए थे उधार के उससे, तो मेरे को आपको वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको चाहिए, आपको भेजने को बोला है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने कहा पापा के अकाउंट में क्यों नहीं भेजे आपने, और यहीं से मुझे पता चल गया था कि वो स्कैमर है, ठीक है। तो क्योंकि उसने 12,000 बोला, और 12,000 वाला स्कैम बहुत जगह हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर उसने मेरे से बोला कि आपके पापा का स्कैनर काम नहीं कर रहा या कुछ सर्वर डाउन है, इस टाइप का कुछ बोला उसने मेरे से। मैंने कहा अच्छा अच्छा तो फिर कह रहा था कि ये आपका नंबर है, आपका नाम सुधा खनका है। मैंने कहा हाँ। तो अब उसने कॉल करा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सारी डिटेल लेके ही मुझे कॉल करना होगा, और यहाँ पर सनलाइट आ रही है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, लेकिन आधा ही मुँह प्यारा लग रहा है। तो मेरे को ऐसा मन हो रहा है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, बट कोई नहीं। सो इसको जाने से पहले फटफट से वीडियो बना लेती हूँ। तो उसने फिर मेरे से बोला कि इट्स लाइक कि मेरे को आपको भेज दें। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरा नंबर रिपीट करा पूरा, यही नंबर है ना। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझसे बोला कि गूगल पे करूँ या पेटीएम करूँ। मैंने कहा गूगल पे कर दो, क्योंकि मैं मतलब टाइम पास कर रही थी, बट मेरा दिमाग भी ख़राब होता है ऐसे लोग के कॉल से, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि हाँ देखो बेटा आ गए होंगे 10,000 रुपीज़ मैंने करे हैं आपको। मैंने कहा ओ माय गॉड अंकल आ गए, इतनी जल्दी आ गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं चलो मैं आपको 12,000 रुपये और नहीं 2,000 रुपये और भेजता हूँ। तो उसने मुझे क्या मैसेज करा, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाई 20,000 रुपीज़, ठीक है। वो एक नंबर से आया था। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर कह रहे बेटा ज़रा देखना ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 20,000 आ गया, मुझे 18,000 वापस कर दोगे। मैंने कहा अच्छा। फिर से दोबारा से बेटा देखना ज़रा, ओहो सॉरी सॉरी मैंने आपको 20,000 रुपये भेज दिए। तो आई वाज लाइक कि हैं अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर ही वाज लाइक कि चलो फिर आप 18,000 जो बचे हैं वो वापस कर दो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने फिर दो दिन वर्ड बहुत अच्छे अच्छे यूज़ करे, तो मैंने कहा अंकल आपको मैं थोड़ी सी मेंटली खिसकी भी लगती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला मेरे से क्यों। मैंने कहा कि ये जो स्कैम आप मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो, ये किसी ऐसे इंसान के साथ जाके करना जो इन सब जालों में फंस सके, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे को ऑलरेडी आपके जैसे बहुत लोग के कॉल आ चुके हैं। तो फिर ही वॉज लाइक कि मतलब उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। और फिर उसके बाद मेरे को बहुत अजी आई। मैंने कहा मेरे पापा के 10-15,000 किसी को उन्होंने उधार दिए हैं, 12,000, और उन्होंने हमको नहीं बताया। वाओ चलो हमको नहीं तो मम्मी को तो एटलीस्ट बताया होता। फिर शाम को ऐसे इन्हें पापा से बोला ऐसा ऐसा कॉल आया था, तो पापा को भी कहीं हंसी आ रही थी उसके बाद। तो वही चीज़ है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है व्हाट्सएप वाला, तो वो जो लॉटरी वगैरह वाला है वो सब चीज़ तो वो हो चुकी है, लाइक सबको पता चल गई है, बट बहुत गंदा दिख रहा। तो जो लॉटरी वगैरह का है वो तो सबको पता चल गया है। तो अभी लोग कॉल करके बोलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे तो उस टाइम पे लिटरली मैं बताऊँ 100 रुपये भी नहीं थे, ठीक है।
तो अब बहुत से लोग होते हैं जिनके अकाउंट में बड़ी अमाउंट पड़ी होती है, तो वो सोचते हैं कि हाँ क्या पता इन्होंने भेजी हूँ, तो फिर वो उसी टाइम पे फट से रिटर्न भी कर देते हैं और उसके बाद उनका कॉल ब्लॉक, उनका हर चीज़, मतलब वो आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है। मैं तो बच गई इस चीज़ से, बट मैं आपको एक वार्निंग देने आई हूँ कि अगर आपको इस तरीके का कुछ भी कॉल आता है तो। अब इतना था कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मैंने कहा कि पुलिस केस वगैरह क्या ही करूँ, क्या ही पढ़ूँ यहाँ इन सब चीज़ों के पीछे, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लूँगी, उससे जितने लोग भी होंगे, 1000 लोग भी देखेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग देख रहे होंगे उनमें से 50-60% लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये सब स्कैम होते हैं, बट कुछ बहुत भोले लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ये स्कैम वगैरह, स्कैमर्स का कॉल आ रहा। तो वही चीज़ होती है कि मतलब हमको समझना चाहिए कि ये स्कैम है, ठीक है। उनकी, मेरे को तो उसकी आवाज़ से पता चल गया था कि भाई इसकी आवाज़ पे स्कैम है, ये स्कैमर ही है, पर फिर भी मैं उसको सुने जा रही थी कि मतलब हाँ चलो क्या बोलता है, अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता है। जब उसने बोला ना इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, तब मुझे जो हंसी आई है ना भाई, मैंने कहा है, मतलब आई वाज लाइक कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, मेरे को बहुत गंदी हंसी आई इस बात। मैंने मतलब उसको दो चार शब्द ऐसे बोले ना, उसके बाद उसको भी मतलब सीधे उसने कॉल कट कर दी थी। मैंने कहा कहीं और जाके कॉल करो भाई, हमको कॉल मत करो। और मैंने कहा तुम लोगों को काम धंधा कुछ नहीं, कमा नहीं सकते पैसे, तो लाइक वो चीज़ होती है। लेकिन अगर आप में से कोई स्कैमर ये वीडियो देख रहा है तो आई वॉन्ट टू से कि प्लीज़ मेहनत करो और कमाओ। दूसरों की मेहनत की कमाई खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ ये रही कि आप लोग कमाओगे खुद से, खुद के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, बट ऐसे किसी को मत लूटो भाई, क्योंकि तुम तो अपने मजे मजे के लिए कर देते हो। बाई चांस अगर कोई सीधा इंसान होता है, अब जैसे मैं यहाँ हूँ डिफरेंट सिटी में, मुझे लगा क्या पता भेज दिए हो, ऐसा भी लग सकता है ना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सीधा इंसान है, उसको लगा, उसने सपोज अपने घर पे पैसे मांगे और उसके अकाउंट में चलो है, ठीक है, तो उसने अगर भेज दिया तो मतलब लोगों के साथ गलत करके तुम्हें क्या ही मिलेगा भाई। तुम्हें मतलब खुद इतनी अकल होनी चाहिए कि यही गलत चीज़ अगर हमारे साथ हो तो हम लाइक किस फेज से गुजरेंगे, हमारे साथ क्या होगा। तो वही चीज़ होती है कि आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्कैम करने से पहले, ये सारी कॉल्स करने से पहले, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और वो चीज़ है कि आप लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि कोई ऐसा कॉल करता है। आजकल तो ये भी हो रहा है कि आपकी बेटी फंस रही है लाइक पुलिस स्टेशन पे है, उसने ये कर दिया, या आपका बेटा, और उनको सब चीज़ पता होती है, उनको आपके हस्बैंड का नाम भी पता होगा, उसको आपकी मम्मी का नाम भी पता होगा, उसको आपके बच्चों का नाम भी पता होगा, और इवन उनको ये भी पता होता है कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, ठीक है। और मतलब सपोज दैट जैसे कि आप गए हो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, ठीक है, उस टाइम पर उनको ये भी पता होगा कि आप लोग घर पर नहीं हो। मतलब उनका कुछ ऐसा रहता है कि लाइक कहीं ना कहीं से उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता होती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे सामने पर भी होते हैं और फिर भी वो कॉल कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारा आपका बच्चा पुलिस स्टेशन पे है और आप इतने इतने पैसे भेज दो तो ही हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको समझना है, ये लोग स्कैम करने के लिए कॉल करते हैं, पुलिस बन के कॉल कर देते हैं कि आपको इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी तभी आपका बच्चा छूटेगा, वरना हम इसको सेंट्रल जेल भेज रहे हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बना के भेज देते हैं। और एक लड़की या लड़के को रखे रहते हैं वहाँ पर रोने वाली आवाज़ निकाल के, मतलब, और आप बोलोगे कि आपकी आवाज़ मेरे बच्चे की आवाज़ तो बहुत डिफरेंट आ रही, तो वो क्या बोलेंगे पता है, तो इतने दिनों से एक घंटे से इसने खाना पीना नहीं खाया, रोने में ऐसी आवाज़ तो आई, ये सारी चीज़ें बोलते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें आप लोगों को मतलब अवेयर रहना है, और यही मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटिव भी था कि मैं लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूँ इन चीज़ों के लिए। सो हाँ, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो एंड या खूब प्यार बरसाओ। और हाँ बाय बाय, अपना ध्यान रखना और लाइक जो भी ये चीज़ें हो रही है इन सबसे दूर रहना। बाय।